तो अब लोग तुम लोग कैश करवा रहे हो, एड़ी बनती तोड़ो उनके लग जा। धन ने वहां जाकर देखा, असगी भी नजर आई वो तो मैं, लेकिन वहीं पर गुलाब चंद ने जो है सीन कट कर दिया। वेलकम टू माई चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग, एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, भर भर के लाइक करना जी। होली पर कुछ तो स्पेशल गिफ्ट होने ही चाहिए ना, तो लाइक ही भरपूर आप दे दीजिए। यहाँ पर आज मैं वीडियो में जो भी बात करने वाली हूँ, कल आप देखिए मेरा एक ही वीडियो आया था, क्योंकि मैं कल जो है ना किसी के साथ बात कर रही थी, तो उनको लगा कि मुझे जो है अभी डिम्पल से बात करनी चाहिए, ताकि मुझे एक ऐसी थेरेपी मिल जाए, यानी कि लाफ्टर थेरेपी, और वो स्ट्रेस जो है उनकी खत्म हो जाए। तो उन्होंने कहा कि जब मैं आपसे बात करती हूँ ना, तो वाकई में मुझे ऐसे लगता है कि स्ट्रेस जो है मेरी खत्म हो गई। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा उनसे बात करके, और ये वर्ड सुनकर तो आप समझ ही सकते हो मुझे कितना अच्छा लगा होगा। पर मुझे नहीं पता था कि मेरे में ये भी क्वालिटी है, क्या मैं किसी का स्ट्रेस दूर कर सकती हूँ ऐसी कुछ बातें करके। तो कल मेरा इसीलिए एक ही वीडियो आया था। ओके जी, आज वीडियो मेरे दो आएंगे, और आप लोगों को भरपूर नहीं देखना तो है, मतलब लाइक पूरे पूरे करने चाहिए, अच्छे अच्छे लाइक करने चाहिए कमेंट्स के साथ। लाइक भी अच्छे होते हैं भैया, होते ही हैं, मतलब भरपूर लाइक चाहिए मुझे। आप लोग शेयर कर देना मेरे वीडियो, ऐसा मैं क्या कहने वाली हूँ। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की ओर। देखिए जी, आप लोगों को पता है कि ये झूठी जो है ये पदोड़ी भी है ना, पदोड़ी के साथ साथ मम्मी डकारू भी बन गई हैं। भाई ये क्या चल रहा है इनके यहाँ पर। आउटडोर गेम के लिए मैंने बोला था चिंटू के लिए, ये तो झूठी आउटडोर गेम खेलने के लिए बातें करने लगी। मुझे लग रहा है कि पुत्र मेरे एपिसोड इतने अच्छे से नहीं देखती, इवन मेरी खुद की वाइटी फैमिली भी इतने अच्छे से नहीं देखती होंगी जितने अच्छे से भाई ये झूठी पॉइंट टू पॉइंट सारे देखकर अपने ही एपिसोड में मतलब वो सारी चीजें करने लग जाती है। मतलब ये मैं इनकी स्क्रिप्ट राइटर हो गई हूँ। अब बताइए मुझे, ये झूठी कल गेम खेलती हुई नजर आ रही थी अपने ही एपिसोड में अपनी मॉम इन लॉ के साथ और मॉमी के साथ, लेकिन जानबूझकर इसने अपने एपिसोड में बोला मम्मी आप तो डकार मारने लगी, मम्मी ये कैसे साउंड आ रही, मतलब जो साउंड तुम्हारे के ऊपर मतलब जमती है वो तुम्हारे ऊपर ही जमती है भैया, तुम्हें नाम दिया गया पदोड़ी तो वो तुम ही हो। कहाँ पर वो बेस्ट फ्रेंड ने भी ये चीज बोल दी कि गैस बनने लग जाती है छोले खा के, है ना, ये गैस तो भैया तुम्हारे बेटे को भी बनती है, जाने की मोटू बिटिया को। लेकिन सॉरी पुअर मोटू बिटिया, वो तो नजर नहीं आ सकती, सबके सामने भी नहीं आ सकती, क्योंकि वो साइकिलिंग कर करके थक चुकी होती है। लेकिन झूठी के एपिसोड में कल झूठ 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 भरपूर झूठ, झूठी जो है क्या कहते हैं अपने नाम के अकॉर्डिंग ही उसके साथ वो करती हुई नजर आती है, क्या कहते हैं नाइंसाफी तो नहीं, इंसाफ करती हुई नजर आती है, क्योंकि जैसा उसका नाम वैसा ही उसका काम, झूठ की दीवानी झूठी, है ना, झूठे अंका। तो ये तो थी झूठी की कहानी, लेकिन झूठी के आगे के नए नए पैंतरे जो है ना वो सब लोगों को अब समझ आ ही चुके हैं। भैया वो पुरानी खिलाड़ी है ना, तो उसका आगे वाला सीन क्या होने वाला है वो सबको ही पता होता है। कल एक कमेंट आया मुझे, उन्होंने बोला डिम्पल जी हमें ऐसा क्यों लगता है कि आप इनके नेबर हो, क्योंकि जो चीजें आपने दो दिन पहले बोली है वही चीजें बाद में नजर आ रही हैं। तो मैं बताना चाहती हूँ कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, नेबर वेबर वाली बात भी नहीं है कि मैंने पहले ही बता दिया, ऐसा भी कुछ नहीं है। एक्चुअली में हमारे वहां पर ऐसा होता है, तो वो चीजें मुझे पहले से ही पता है। अब एक ही घर में 2 महीने में 2 शादियां हो गई, तो आप मुझे ये बताइए कि मौसियाँ हैं कि वो तैयारियों में लगी हुई, उन्होंने सोचा कि बार बार जो इनका फेरा डलवाना है, चलिए एक ही बार दोनों लोगों को बुला लें और काम खत्म करें, है ना, तो सब मिलगिल भी लेंगे तो एंजॉयमेंट भी हो जाएगी। तो ऐसी बात थी और ज्यादा कुछ नहीं। और आप लोगों ने देखा होगा लॉबी में ही सबके बिस्तरे लगा दिए कि यहीं बैठे बैठे खाते रहो, यहीं पर बैठे बैठे बातें बातें करते रहो। लेकिन नन्नू जिजा का तो अपना अलग ही पैंतरा, वो कहता खाओ पियो यहाँ, हगने के लिए जाना पड़ेगा आपको पुल के उस पार। मतलब कुछ भी, एक दूसरे के ऊपर ताना कशी छीटा कशी करने से कोई भी बाज नहीं आ रहा। लेकिन उधर पुत्तन का अपना ही ड्रामा है, पुत्तन जो है उसकी तो खुशखबरियां ही अलग अलग लेवल की निकल निकल के आ रही हैं। घर में आई गुड न्यूज, वाईफाई लगा गुड न्यूज, घर में लगे पंखे गुड न्यूज, घर में लगाया फ्रिज गुड न्यूज, घर में मतलब कुछ भी
गुड न्यूज का मतलब पता है? पता नहीं कौन सी गुड न्यूज सुना रही हो। गुड न्यूज तो अब लोग तुम लोग कैश करवा रहे हो एक्चुअली में। गुड न्यूज अब ये सब लोग लिखते हुए नजर आ जाएंगे जब तक कि गुलाब चंद के घर में गुड न्यूज आ ना जाए। जिन्होंने यूट्यूब टॉकीज मेरा नहीं सब्सक्राइब किया जल्दी से जाएं सब्सक्राइब करें, मैं भी वहां पर गुड न्यूज सुना रही हूँ, आप लोग जाइए और देखिए। यार मैं हंस क्यों रही हूँ मुझे नहीं पता, कुछ बातें तो कल वाली जिनसे मेरी बात हुई थी उनकी याद करके हंसी आ रही। मैंने तो नॉर्मल एक सजेशन दी थी उनको, है ना, कि आप ऐसा कर लो, उसने आपको ऐसा क्यों कहा, लेकिन उनका हंस हंस के इतना बुरा हाल हो गया कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। फिर मुझे लगा कि अच्छा मैंने कोई हंसने वाली बात कर दी, मैंने कोई जोक सुना दिया और ऐसे ही ये चीज़ें अब यहाँ पर हो रही हैं, है ना। सासू माँ के अब झूठी हो गई सच्ची हो गई पुत्तन, और जहाँ पर गुलाब चंद हो गया और ये हो गई अपनी क्या कहते हैं चंपा कली, ये सबका अब खिचड़ी बन रही है भैया, मिक्सचर बन रहा है। सो वो मिक्सचर ही मैं तैयार करके आप लोगों के सामने रख रही हूँ, वो समझिए आप, इन भावनाओं को समझें, भावनाओं को समझें। जो भी है आ रहा है, फैमिली मेंबर है, इकट्ठा हुए हैं, कभी कोई उधर से बात करेगा कभी कोई उधर से बात करेगा, अब समझना समझाना आप लोगों पर डिपेंड करता है, ठीक है। चालबाजियां तो इनकी जो है वो तो चलती ही रहेंगी, वो बंद होने वाली नहीं है, लेकिन ये पुराने खिलाड़ी हैं इस जगह के वाईटी के, तो इनकी आगे की गेम क्या होगी वो हम लोगों को पहले से ही पता लग रही है। वो इसलिए कि क्योंकि रिपीट हो रही है भैया, कुछ नया कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा नया, कुछ नहीं ना, वही शादी है ना, वही बच्चे, वही प्रेगनेंसी सीजन और वही सास और वही नंद। अब ये तो कुछ रिश्ते चेंज ही नहीं हो सकते, तो फिर नया कहाँ से आएगा। पुत्तन ने कहा चलो फिर अब कुछ और नहीं तो गुड न्यूज जो है यही बना दें। चल पुत्तन तेरी गुड न्यूज में थोड़ा सा तड़का लगाए, ठीक है। अब तुम्हारी गुड न्यूज जो है ना, वाईफाई लग गया भैया, नीचे का वाईफाई लग गया, पुत्तन के घर वाईफाई लग गया, ये एक्चुअली में गुड न्यूज थी। अब तड़का इसमें क्या लगेगा वो बताने जा रही हूँ। तड़का ये लगा दिया पुत्तन, तुम्हें याद होगा जब तुम पहली बार घर छोड़ के आई थी यहाँ पर, जब तुमने गुलाब चंद से बोला था कि बदतमीज मुझे जो है तुम वाईफाई का पासवर्ड क्यों नहीं दे रहे हो, चूल्हे के पास बैठ के रिमेम्बर, है ना। तो जी वहां पर गुलाब चंद ने क्या बोला था कि नहीं बिल बहुत आ जाता है, तुम पहले ऐसा करो मेरा फला फला काम करो तो फिर मैं तुम्हें जो है मतलब कि इसका गुलाबचंद नहीं दे दूंगा, मतलब पासवर्ड दे दूंगा, है ना। तो ये वो बात थी, मतलब वो पहले इससे काम करवाता था, वाईफाई वो बंद कर देता था, उसका ये कहना होता था ये दिन भर जो है फोन चलाती है, ये दिन भर जो है दिमाग खपाती रहती है, कमेंट सेक्शन को रीड करती रहती है, अपना भी दिमाग खराब करती है और उसके बाद ये हम लोगों का भी करती है, काम वाम एज इट इज ही पड़े रहते हैं, फैले रहते हैं और फिर ये थक हार के सो जाती है और बच्चे को भी हम ही लोग संभालते हैं। लग गया तड़का, एक्चुअली में ये तड़का हमने नहीं लगाया, ये तुम लोगों ने पहले ही सारी बातें यहाँ पर रखी। तो उसके हिसाब से देखा जाए पुत्तन का कहना, अब मैं मच्योर हो गई हूँ, अब मेरे यहाँ पर वाईफाई लग गया, हो गई खुशखबरी। खुशखबरी तुम्हारे लिए नहीं, खुशखबरी चिंटू के लिए, एक्चुअली में उसको अब देखने को लिए वो टीवी मिलेगा, है ना, मतलब कि बार बार अब उसको नीचे नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन अब ये जो पंखों की वो खुशखबरी नहीं है भैया, वो तुम्हारी नीड थी, तुम्हारी जरूरत थी, ठीक है। और जिसके पास पैसा है वो अपनी जरूरतें पूरी कर सकता है, है ना। खुशखबरी पंखे लग गए, खुशखबरी ये हो गया। अच्छा जैसे इसने फैन लिए ना परचेज कर रही थी देख रही थी, तो उस समय मेरे दिमाग में आया हैवल्स के लिए, हैवल्स के लिए, क्योंकि वो बहुत अच्छे होते हैं, है ना, हमारे पहले वाले घर में वही लगे हुए थे। तो मतलब पर अब इसने कौन से वो वाले लिए हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, एक वो नंबर रहते हैं ना, पता नहीं कौन से वाले वो लिए होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन जो हमारे लगे हुए थे वो बहुत ही अच्छे थे। तो चलिए ये तो हो गई इनके ऊपर थोड़ी सी हंसी खुशी वाली वैसी बातें, अब कर लेते हैं कुछ स्पेशल बातें। यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जैसा कि चंपा कली की फैमिली में आप लोगों ने देखा है कि हंसी वाला माहौल है, सब लोग खुश रहते हैं, आपसे मिलजुल के रहते हैं, तो सब फैमिलीज में ऐसे ही होता है, नॉर्मल फैमिलीज ऐसी ही होती हैं, लेकिन इनकी फैमिलीज जो है ना वो कुछ खास है। यानी कि गुलाब चंद की फैमिली आप लोगों ने देखा होगा कि इनके यहाँ तो एक सब्जी बनती कड़ी बनती तो रौनके लग जाती हैं, छोले बन के दो रौनके लग जाती हैं, लेकिन इनके यहाँ पर इंसानों से रौनके नहीं लगते हैं, इनके जहाँ पर सिर्फ और जो नरजीव चीजें हैं। भाई मैं क्यों हंस रही हूँ, अब नहीं हंसना नहीं चाहिए, झूला आ गया तो जी रौनक लग गई,
तो गर्मियों के दिन आ गए तो रौनक लग गई। इनके यहाँ पर ऐसे ही रौनक लगती है, बस इसी को ये लोग रौनक कहते हैं। लेकिन एक्चुअली में रौनक के क्या होती हैं, वो गुलाब चंद ने वहां जाकर देखा। वहां जाकर गुलाब चंद ने ऐसा कुछ भी देखा, ऐसा कुछ भी बोला कि क्या हो गया कि गुलाब चंद को थोड़ी नाराजगी भी नजर आई। वो तो मैं अगले एपिसोड में बताऊंगी आप लोगों को, ताकि मैं भी सस्पेंस क्रिएट करना चाहती हूँ। जैसे कि पुत्तन का सस्पेंस होता ही नहीं है, वो मतलब हमें पहले से पता होता है कि ये अब क्या करने वाली है, लेकिन मेरा नहीं पता आपको। मैं अगले एपिसोड में आप लोगों को क्या बताने वाली हूँ, वो पॉइंट मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिए है कि गुलाबचंद की नाराजगी, गुलाबचंद की जो गुस्सापन गुस्सा था किस बात को लेकर चंपा से हुआ नाराज गुलाबचंद, वो मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगी। कुछ ऐसी बातें गुलाबचंद ने भी वहां पर की हैं, मेरे को तो लगता है कि मौसियां सब इकट्ठा होकर ना बतियाती नजर आएंगे, जिसमें कि एक एस्ट्रोलॉजर जो है वो भी मौसी थी। क्या पंजाब का पानी ऐसे ही है, घर घर की कहानी यही है कि हर कोई हाथ देखता पड़ता हुआ नजर आता है, चाहे किसी को आता हो ना आता हो, लेकिन जो ज्यादा ज्योतिषियों के जाते रहते ना वो देखते रहते ज्योतिषी ने कौन सी लाइन देखी, अच्छा कौन सी मच्छ रेखा है, कौन सी फेट लाइन है ना, तो कौन सा इसका मच्छी का मुंह बंद हो रहा है तो पैसा जमा रहेगा, ये सब जी एक मौसी वहां पर ये करती हुई भी नजर आ रही थी। लेकिन उसने ऐसी कौन सी बातें दोहरा दी कि जिसको लेकर मैं थोड़ा सा चकित हो गई। मैंने कहा कि अच्छा ये कुछ कहने वाली है, लेकिन वहीं पर गुलाब चंद ने जो है सीन कट कर दिया। वो क्यों कर दिया, ये तो मैं क्वेश्चन ही क्वेश्चन छोड़ रही हूँ आप लोगों के लिए, ये मैं अगले एपिसोड में बताऊंगी, ताकि सस्पेंस क्रिएट करती हूँ मैं आज इसी एपिसोड में, ताकि आप लोग दूसरा एपिसोड भी मेरा अच्छे से वॉच कर सको, है ना। तो जी अभी तो मैं कुछ और बात करने वाली हूँ। अब बात यहाँ पर ये होने वाली है कि जैसा कि सिद्धू मूसेवाला है ना, तो जी उनकी मदर जो है चंद कौर जी, उनके यहाँ पर कम बैक कर लिया है सिद्धू मूसेवाले ने, एक बार फिर से वो मम्मी पापा बन गए हैं, बेबी बॉय हुआ है उनके घर पर, और उन्होंने अपने बच्चे का जो नामकरण किया है ना, वो भी उन्होंने सुखदीप सिंह सिद्धू मूसेवाला ही वो ही रखा है उन्होंने, ठीक है जी, वो ही उनके फैन चाहते भी थे। लेकिन आप देखिए कि 58 की एज में आकर उन्होंने अपने बच्चे का मतलब कि एक बच्चे को जन्म दिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जूठी कहती है कि भगवान की जब इच्छा होगी भैया, इसके लिए मैं क्या ही बताऊँ तुम्हें, अगर तुम लोग वाकई में सोचते हो ना ये सब चीज़ें होनी चाहिए तो उस चीज़ का एक टाइम पीरियड होता है, अगर तुम 36 इयर्स जो है ना वो क्रॉस और कर जाती हो, वैसे तो मुझे पता ही है भैया तुम्हारी उम्र इसी के आसपास की है, लेकिन अगर तुम क्रॉस कर जाती हो तो बच्चे में बहुत ही ज़्यादा ना वो चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन आप ये देखिए कि इनमें ऑलरेडी काफ़ी कुछ अंदर इनके प्रॉब्लम्स चल रही है इंटरनली, है ना, लेकिन उनके मदर जो है वो बिल्कुल फिट थे। तो यहाँ पर मैं ये कंपैरिजन कर रही हूँ कि झूठी का अभी तक ये बिल्कुल भी ना सोचना, है ना, उधर मम्मी का ऐसे करके मुंह बना लेना, ये भगवान जी जल्दी से इसके घर भी बच्चा दे दो, वो तो हम भी कह रहे हैं हे प्रभु इसके भी घर जल्दी से बेबी हो जाए, बेबी बॉय हो बेबी गर्ल हो, लेकिन हो जाए और इसका बच्चा जगह 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 पोटियां सुसु करे और ये साफ सफाई में लगी रहे, जैसे कि इसको साफ सफाई बहुत ही पसंद है, तो घर में रौन के फिर वो लगेंगी एक्चुअली में, है ना। तो मम्मी भी चाह रही है, सब चाह रहे हैं, लेकिन भगवान जी नहीं चाह रहे, ऐसा क्यों, ऐसा कुछ भी नहीं है भैया, जब तुम लोग चाहोगे तभी तो बेबी होगा ना। तो यहाँ पर रमा के घर में अगर दो बार मिसकैरेज होने के बाद बेबी हो रहा है, यहाँ पर सिद्धू मूसेवाला जो कि यंग एज में 29 इयर्स की एज में वो चला गया इस दुनिया को छोड़कर, 58 इयर्स की उम्र में अगर उसकी माँ जो है एक बार फिर से माँ बन सकती है, तो बहना तू क्यों नहीं बन सकती, तू भी तो ट्राई कर, तू भी तो मतलब अपना इलाज करवा, जो भी करवाना है वो करवा। अब यहाँ पर ये नहीं कहना आदमी और औरत बराबर होते हैं, आदमी क्यों नहीं पैदा करता बच्चा, माँ को ही हमेशा क्यों सुनना पड़ता है, आज कौन से मूड में हूँ मैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन चलिए जो भी है आप लोगों के लिए ये मेरा एपिसोड था, छोटू सा था, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप लोग रेडी रहना, सारे क्वेश्चनों के जवाब मैं देती हुई नजर आऊंगी उसमें, लेकिन अगर आपका खुद का भी कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में आप लिख डालिए, मैं नेक्स्ट एपिसोड में आपका क्वेश्चन जरूर से लूंगी। तो चलिए जी मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।